सो एक नया दिन नई वीडियो और एक नई बाइक। हेलो वेलकम बैक हियर ऑन बाइकोमेनिया। आज का वीडियो होने वाला है ऑन द पल्सर आरएस 200 द फैट बीस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हॉप इनटू इट। सबसे पहले तो पल्सर आरएस 200 सिर्फ एक ही वेरिएंट में आती है, दैट इज द ड्यूअल चैनल एबीएस 1। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में। आरएस 200 का इंजन 199 सीसी ट्रिपल स्पार्क 4 वाल BS6 DTSI टेक्नोलॉजी के साथ आता है विद अ लिक्विड कूलिंग एंड विद अ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम विच एंश्योर्स बेटर माइलेज एंड प्रिसाइज थ्रॉटल रिस्पॉन्स। ये इंजन प्रोड्यूस करता है मैक्स पावर ऑफ 24.5 PS एट 9750 RPM and max torque of 18.7 Nm at 8000 RPM. The engine is now mated with a 6-speed gearbox aur is bike mein aapko sirf self-start hi milta hai because it's a 200cc segment bike. Now coming to the features and safety of this bike, the RS200 finally gets a dual channel ABS in 2020 which was a miss in 2019. Gaadi ke instrument console ki baat kare to instrument console ko part digital and part analog mein divide kiya gaya hai. Bajaj shayad is gaadi mein ek fully digital instrument console de sakta tha jo is bike ko jo hai wo aur premium banata. By the way, yahan par aapko speedometer, odometer, trip meter, fuel gauge ye sabhi digital mein show karte hain. टैकोमीटर जो है वो आपको एनालॉग में मिलता है और कंसोल में हमें क्लॉक, सर्विस रिमाइंडर और साइड स्टैंड वार्निंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, क्योंकि BS6 होने के बाद RS200 में साइड स्टैंड डाउन इंजन कट ऑफ फीचर्स भी मिलता है और ये बेसिकली इंजन को टर्न ऑफ कर देता है जब भी आपका बाइक का साइड स्टैंड जो है वो डाउन रहेगा और आप अपनी बाइक को गियर में डालने की कोशिश करेंगे। एंड दैट इन माई ओपिनियन इज अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर। बाय द वे, इस गाड़ी में आपको सिर्फ साइड स्टैंड मिलता है, इस गाड़ी में आपको कोई भी मेन स्टैंड जो है वो नहीं मिलता। तो अब आते हैं आर एस 200 की चेसिस एंड सस्पेंशन की ओर। बाइक में हमें स्ट्रॉन्ग पेरीमीटर फ्रेम दी गई है, फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स विद एंटी फ्रिक्शन बुश मिलते हैं और रेयर सस्पेंशन की बात करें तो रेयर में आपको एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स मोनोशॉक अब्जॉर्बर विद कैनिस्टर मिलता है। गाड़ी के बॉडी कलर्स की बात करें तो आरएस 200 आपको 3 कलर्स में अवेलेबल है, दैट इज द ग्रेफाइट ब्लू, रेसिंग रेड एंड द रेसिंग ब्लू वन। वैसे मेरा फेवरेट कलर है रेसिंग रेड,
इट लुक्स डैम अपीलिंग और रेड कलर की रोड प्रेजेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर टू कलर्स। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर आप मुझे बताइए कि आपको इन तीनों में से कौन सा कलर जो है वो ज्यादा पसंद है। कमेंट करके नीचे आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा कलर पसंद है, रेड, ब्लू या फिर द ब्लैक वन। अब आते हैं इस गाड़ी की डायमेंशंस एंड कैपेसिटी की तरफ। तो इस गाड़ी की लेंथ है 1999 mm, विड्थ है 765 mm और इस गाड़ी की सीट हाइट है 810 mm, ग्राउंड क्लियरेंस इज 157 mm, विच इज गुड कंसिडरिंग इट्स अ फेयर्ड रेसिंग बाइक। The wheelbase of this bike is 1345 mm and the curb weight is 166 kg, which is good क्योंकि सिर्फ 166 kg होने की वजह से इस गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो जो है वो काफी अच्छा हो जाता है। और गाड़ी के फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज 13 लीटर और ये गाड़ी जो है वो आपको लगभग 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है वो आसानी से दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग स्टाइल एंड योर राइडिंग एनवायरमेंट। अब आते हैं गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स की ओर। तो गाड़ी में आपको ड्यूअल प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है विच गिव्स दिस बाइक अ रियल बीस्ट लुक और इसका नाइट थ्रो जो है वो बहुत अच्छा है। प्रोजेक्टर हेड लैंप्स के ऊपर आपको पायलट लैंप्स भी मिलते हैं जो LED के हैं और इस गाड़ी की प्रीमियमनेस को बढ़ाने के लिए इसमें हमें LED के इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, द सेम विच वी सी इन द KTM बाइक्स। इनकी विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, ब्राइट सनी डे में भी ये इंडिकेटर्स जो है वो ब्लिंक होते हुए क्लियरली दिखते हैं। गाड़ी के टेल सेक्शन की तरफ बढ़े तो यू गेट अ वेरी यूनिक LED टेल लाइट जो एक्सटेंड होती है गाड़ी के काफ़ी पीछे तक और टेल लाइट का जो डिज़ाइन है इट लुक्स रियली ऑसम। काफ़ी लोगों को जो है ये टेल लाइट पसंद नहीं आती, वैसे मुझे तो ये काफ़ी पसंद आई एंड सबका ओपिनियन जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये टेल लाइट कैसी लगती है, कमेंट करके नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद गाड़ी में हमें लो बैटरी इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर एंड लो फ्यूल इंडिकेटर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो आपको टेलटेल लाइट्स में दिख जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर हाई बीम, न्यूट्रल इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर, ABS लाइट, इंजन चेक लाइट भी मिलती है। और लास्ट में आते हैं इस बाइक के टायर्स और ब्रेक्स की तरफ। तो फ्रंट में 100x80 सेक्शन के 17-inch टायर्स मिलते हैं विद 300 mm फ्रंट डिस्क। रेयर टायर की बात करें तो रेयर में आपको 130x70 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं विच इज़ ऑल्सो 17-inch इन रेडियस कम्बाइंड विद अ 230 mm डिस्क एट अ रेयर। और इसमें आपको पेटल डिस्क मिलते हैं, नॉट द रेगुलर राउंड डिस्क। और पेटल डिस्क की खासियत ये होती है कि वो बेटर हीट डिसिपेशन प्रोवाइड करते हैं। रेयर टायर की साइज़ जो है वो 130 सेक्शन से बढ़ाकर एटलीस्ट 140 तो की जा सकती थी जो कि हमें कॉर्नरिंग के वक्त बेटर ग्रिप जो है वो प्रोवाइड कर सकती थी और उससे होता ये कि हमारा कॉन्फिडेंस भी जो है वो कॉर्नरिंग के वक्त बढ़ जाता। वैसे ये 130 सेक्शन का टायर जो है वो आपको एक अच्छा माइलेज निकालने में मदद कर देगा। टायर्स जो है वो इस गाड़ी में MRF जैपर्स के मिलते हैं एंड दे आर ट्यूबलेस टायर्स। गाड़ी के मिरर्स जो है वो आपको फेयरिंग पर ही अटैच मिलते हैं और इस गाड़ी में आपको एक विंडशील्ड भी मिलती है। वैसे अगर विंडशील्ड थोड़ी लंबी होती तो विंड ब्लास्ट को जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से रिड्यूस कर देती। गाड़ी के जो सीट्स है वो स्टेप अप सीट्स है और इसकी कुशनिंग जो है वो काफ़ी स्टिफर साइड्स पे रखी गई है, सो आपको इसमें ज़्यादा कंफर्ट जो है वो नहीं मिलेगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू राइड इट फॉर लॉन्ग किलोमीटर्स। गाड़ी में आपको टैंक पैड जो है वो कंपनी फिटेड मिलते हैं विच एक्सटेंड्स एंड डबल्स अप एज अ टैंक ग्रिप ऑल्सो। और पिलियन के लिए ग्रैब रेल्स जो है वो रेयर सीट के नीचे ही इंटीग्रेटेड दिए गए हैं जिससे ये इस गाड़ी के शार्प लुक को मेंटेन रखते हैं, सो हैट्स ऑफ टू बजाज फॉर दिस। गाड़ी में आपको प्रॉपर क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं और आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं एज द वे यू वांट। तो आखिर में आते हैं RS 200 की प्राइस पर। तो RS 200 BS6 ड्यूअल चैनल ABS इज प्राइस्ड एट ₹1.49 lakhs अप्रॉक्स एक्स शोरूम और गाड़ी की ऑन रोड प्राइस जो है इन गोवा वो आपको अभी स्क्रीन पर जो है वो दिख जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस बाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड कमेंट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस बाइक एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बाइक अ मैनिएक। थैंक यू।